मैं कमल सर यस प्लीज डू गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग टेक योर सीट थैंक यू सर आप कमला हैं जी सर कमला कोविड के आ, को देखते हुए हम लोग सर सर मैं मास्क हटा सकती हूं आप मास्क हटा सकती हैं जी सर थैंक यू सर ठीक है आपको कोई सिम्टम तो नहीं है नहीं सर अच्छा कमला अपने बारे में कुछ बताइए श्रीमान जी मेरा नाम कमला है मैं जयपुर ज़िले के छोटे से गांव सारंकावास की रहने वाली हूं। मैं ग्रामीण कृषि परिवेश से बिलोंग करती हूं। मैंने मेरी स्कूली शिक्षा गांव धानकिया से करी है मैंने मेरा इंजीनियरिंग जयपुर से किया है उसके बाद श्रीमान जी मैं 2015 से 19 तक करसाई के पद पर कार्यरत रह चुकी हूँ अभी नायब तहसीलदार के रूप में कार्यरत हूँ मेरी हॉबी एंकरिंग है सर मेरी कुछ आकांक्षाएँ और कुछ उपलब्धियाँ हैं क्या आकांक्षाएँ हैं क्या उपलब्धियाँ हैं सर मेरी आकांक्षाएँ हैं शॉर्ट टाइम मेरी आकांक्षा है एज ए सिविल सेवक काम करने की और सर लॉन्ग टर्म मेरी आकांक्षा है कि मैं अच्छे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति के रूप में स्मृति से इस रहना चाहती हूँ एक व्यक्ति के अच्छे मूल्य क्या होते हैं आपके अनुसार सर मेरे अनुसार एक व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए वस्तुनिष्ठ होना चाहिए जिसमें करुणा सहृदयता मानवता जन जुड़ाव सर मानवता की सेवा का भाव तो ये सब तो आपको प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना है अनुभव है कि वो बहुत ज्यादा मशीनीकृत हो जाते हैं मेकनाइज हो जाते हैं फिर उसके बाद वो चाह के भी ये सारे मूल्य उनके अंदर आत्मसात नहीं हो पाते तो अगर आपकी दीर्घकालीन लालसा यही है तो फिर मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता कि आपको इसी तरफ अभी हो जाना चाहिए इनकलाइंट होना चाहिए प्रशासनिक सेवा में सर नियमों और कानूनों के तहत हम हर काम करते हैं और वहाँ पे मूल्यों को हाँ, प्रायोरिटी दी जाती है एंड सर मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं मेरे मूल्यों को ज़्यादा अच्छे से सहेज पाऊँगी वहाँ के वातावरण में रहते हुए तो क्योंकि मुझे वंचितों के प्रति काम करने का मौका मिलेगा समाज में जो लाइन से हट के जो एक मुख्य धारा से वंचित लोग रह गए हैं उनके लिए साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा मुझे वास्तविक सिचुएशन ग्राउंड लेवल पे पता चल पाएगी तो मैं लाभ के लिए ना काम करके सर मतलब वंचितों के प्रति प्रतिबद्ध के रूप में काम करूंगी तो अपने आप को आत्मसंतुष्टि महसूस होगी सर मुझे मान लीजिए आप एस डी एम पद पर सेलेक्ट हो जाती हैं जी सर। और ऐसी कंडीशन में आपके पास बहुत सारे लोग मदद के लिए आते हैं कुछ विधवाएं आती हैं कुछ बुजुर्ग आते हैं तो आप उनके लिए चाह कर भी आपके अंदर लालसा तो बहुत है ख्वाहिश बहुत है कि उनकी मदद कर पाऊँ लेकिन आपके हाथ कानून से बंधे होंगे नियम से बंधे होंगे आप उनकी मदद नहीं कर पाइएगा तब आपको ज़्यादा परेशानी होगी श्रीमान जी कानून में वंचितों के लिए वृद्धों के लिए महिलाओं के लिए सबके लिए अलग अलग प्रोविजन्स है तो मैं उन्हीं प्रोविजन्स का अच्छे तरीके से यूज कर पाऊंगी उन विधवाओं के लिए राजस्थान सरकार में क्या क्या प्रोविजन है अभी सर विधवाओं के लिए विधवा पेंशन योजना है जिसके तहत उनको मंथली पेंशन दी जाती है इसके अलावा सर एकल नारी पेंशन योजना बोलते हैं इसके अलावा सर विधवाओं को जैसे जो वार विडो होती है उनको रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी है हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ने और सर विधवाओं को प्रॉपर्टी में पेट्रोल पंप वगैरह लगाने में स्टैंड अप योजना के थ्रू उनको उद्यम वगैरह लगाने में ऋण दिया जा रहा है कितनी विधवाओं को आप जानती हैं जिन्होंने जो इंडिविजुअल होकर अपना पेट्रोल पंप खोली है या जिन्होंने अपना काम शुरू किया है श्रीमान जी मैं खुद एक विडो की डॉटर हूँ और मेरी मदर है वो एक एन चलाती है साथ ही मतलब फीमेल्स वर्कर के लिए नरेगा के तहत उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं नरेगा की शुरुआत कब हुई थी कमला सर 2006 में नरेगा एक्ट बना था तभी से सर इसकी शुरुआत मानी जाती है अभी इसमें दिहाड़ी कितनी है सर अभी दो सौ दो है पहले एक सौ अठासी थी कोविड में सर बीस रुपए बढ़ा दी गई है पर डे तो आपको लगता है कि इतना पर्याप्त है एक व्यक्ति के लिए सर एक जो वंचित वर्ग है और जो बेरोजगार है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए सर ये इनिशियली लेवल पे ठीक है इससे व्यक्ति रूटीन में आ जाएगा और उसके पास बाकी टाइम बचता है इसके साथ साथ वो अन्य घरेलू कामकाज कर सकते हैं सर तो उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए ये नीचे लेवल पर सर ठीक है प्रति व्यक्ति आय भारत में इस समय कितनी है लोगों की सर भारत के अंदर एक लाख सात हज़ार रुपये और राजस्थान में सर राजस्थान में बयासी हजार और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय के श्रेणी में ऊपर राज्य कौन है सर राजस्थान में राज्यों में सर मैं श्योर नहीं हूँ ठीक है कमला जी सर केरल जहाँ तक है लेकिन सर कंफर्म नहीं हूँ कमला जी सर एक बात बताइए मनरेगा की बात चली है आजकल मनरेगा का जो पैसा है वो धीरे धीरे उन लोगों तक नहीं जा रहा है जिन तक जाना चाहिए इनडायरेक्टली वो किसी और हाथों में जाता है जबकि एक छोटा सा हिस्सा जिनके लिए बनाई गई है योजना उनके पास जा पाता है आप इस पर एस के नाते क्या अपने सुझाव अपने अग्रजों को देना चाहेंगी ताकि सरकार तक मैसेज पहुँचे श्रीमान जी आजकल टेक्नोलॉजी का यूज इतना बढ़ गया है कि हर जगह मॉनिटरिंग ट्रैकिंग हो रही है और लीकेज का पता लग, लगाया जा रहा है तो मैं टेक्निकल जो सिस्टम है डिजिटलाइजेशन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगी कि मुझे हर लेवल पे पता रहेगा कि गवर्नमेंट का पैसा जैसे डेवलप रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज विभाग के थ्रू ही पैसा जाता है तो बी के अकाउंट में कितना गया बी से ग्राम सेवा तक कितना पहुँचा और नरेगा वर्कर्स तक कितना पहुंचा? तो सर एक पूरा सिस्टमाइज हो रखा है तो डिजिटलाइजेशन किसी बाढ़ ग्रस्त इलाके में आप जब कभी गई तो वहाँ आपने देखा कि एक महिला जिसके हाथ में चार महीने की बच्ची थी और आपके सामने उस महिला ने दम तोड़ दिया और बच्ची को आपके हाथ में सौंप दिया आपका अगला कदम क्या होगा उस बच्ची के लिए सर सबसे पहले मैं देखूंगी कि हाँ, मेरे पास उसका और कोई भी नहीं है सुनिया में। सर जब मैं एस डी होंगी तो सर मैं मेरे एरिया में मुझे पता चल जाएगा कि सबसे अच्छा एन जी यहाँ पे कौन है जो फीमेल्स के लिए काम कर रहा है और जो मेरी निगरानी में रहेगा तो सर मैं नियमों और कानूनों के तहत रहते हुए पहले देखूँगी गवर्नमेंट ने क्या, सर, आप अपने पास नहीं रख लेंगे उसको सर देखिए मुझे लग रहा है कि वो मेरी नज़र में ही रहेगी वहाँ पर और मेरे परिवार से मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए और जहाँ तक मैं खुद भी मैरिड रहूँगी उस टाइम पे तो हो सकता है मेरे परिवार वाले इस चीज़ के लिए सहमत नहीं रहे लेकिन मैं उसको जिस एन में रखूँगी जो गवर्नमेंट स्कूल वो मेरी हमेशा निगरानी में रहेगी मैं उसको एजुकेट एजुकेशन का इसका पर पूरा ध्यान रखूंगी सर कॉपी क्या होता है सर कॉपी एक पैटेंट का टाइप है जिसमें हम अपने किसी भी जो डिजिटल या बुक्स वगैरह हो गई इनका पर्टिकुलर एक जो व्यक्ति की जो बौद्धिक संपदा है सर ये इसमें व्यक्ति का जो खुद की रचना होती है जो मौलिक होती है उसके लिए ये कॉपीराइट का अधिकार दिया जाता है के पास में लुणियावास क्यों पॉपुलर है सर जयपुर के लुणियावास में सर एक तो घो का मेला लगता है और एक यहाँ पे सर खलकणी माता जी का मंदिर सापेक्षता का सिद्धांत क्या है सॉरी सर अच्छा अम्ल क्या है सर अम्ल वह होता है जो स्वाद में खट्टा होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है हमेशा एच पॉजिटिव आयन छोड़ता है सर ये नहीं तीन अम्लों के नाम बताइए जो खाने में काम मिलते हैं श्रीमान जी खाने के अंदर सर मैग्नीशियम एम जी ओ एच का होल होल्ड वाइज क्या वो अम्ल है सॉरी सर वो ए बेस है सर वो सॉरी सर मैं अभी चलिए कोई बात नहीं ये बताइए कि जीवन में नैतिक मूल्यों में सर्वोपरि किसको रखा जाता है श्रीमान जी मेरा मानना है कि नैतिक मूल्य सारे के सारे ही आदर्श होते हैं और वो व्यक्ति को आदर्श तक तरफ लेके जाते हैं लेकिन अगर मुझे किसी एक मूल्य के बारे में पूछा जाए तो मैं ईमानदारी को सिर्फ रिटी दूंगी गलता जी में कौन से संप्रदाय से संबंधित पीठ है सर गलता जी में आ, सर रामानंदी संप्रदाय की पीठ है सर रामानंदी संप्रदाय की एक विशेषता सर रामानंदी संप्रदाय वाले जो भगवान सर राम की पूजा करते हैं अपना जो राम को ईश्वर मानते हैं निर्गुण नहीं है सर ये सगुण धर्म है एक परंपरागत ज्ञान और एक व्यापार रहस्य इन दोनों में क्या अंतर है सर ट्रेडिशनल जो नॉलेज होता है उसमें हम जैसे आयुर्वेद है चरक है चलिए कमरा जी अच्छी बात है गुड सर प्लीज कमला जी जी सर सरकारी विभाग में आप कार्य कर रहे हैं जी सर क्या आपको लगता है कि महिलाएं सरकारी डिपार्टमेंट में कार्य करते समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं देखिए श्रीमान जी मैंने अभी पांच साल सरकारी सेवा की है तो वहाँ पे मैंने देखा है कि महिलाएं पूरी तरह स्वस्थ है वहाँ पे सुरक्षित है हाँ एक दो परसेंट केसेज ठीक है ये बताइए दस साल बाद जयपुर को आप किस नज़रिए से देखते हैं सांस्कृतिक रूप से ज़्यादा विविधता दिखाई पड़ेगी डिजिटल रूप से ज़्यादा विविधताएँ दिखाई पड़ेगी या हमारा कल्चर समाप्त हो जाएगा सर देखिए दस साल बाद में जयपुर के अंदर सर डिजिटलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और जो ठीक है ये ऐसा नहीं लगता कि डिजिटलाइजेशन जो आप बात हैं वो हमारे निजी जीवन को प्रभावित कर रहा है सर इसके लिए सर कुछ हद तक डिजिटलाइजेशन तो प्रभावित तो कर रहा है जिससे अपने जो संयुक्त परिवार पड़ता है और जो पारिवारिक मूल्य हैं उनको थोड़ा सा सर प्रभावित तो कर रहा है मैं इस बात को मानती हूँ लेकिन इसके लिए सर गवर्नमेंट प्रयास कर ठीक रही है है एक एंकर और एक पत्रकार जी सर दोनों में समानताएं होनी चाहिए हाँ सर कुछ समानताएं हैं कुछ अंतर भी है सर एंकर बहुत टाइप के होते हैं एक कमेडियन करने वाला होता है एक जनता को मोटिवेट करने वाला होता है तो श्रीमान जी मैं दूसरे टाइप में हूँ जनता को मोटिवेट करना बुद्धिजीवी वर्ग की बात कर रही हैं हाँ जी सर तो इसका मतलब उसके पास शब्दों की कुछ मालाएं भी होनी चाहिए हाँ जी सर ठीक है ये बताइए दादू दयाल में दयाल क्या है सॉरी सर ठीक है अभी महिलाओं के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसे हम कहते हैं यूनाइट अभियान बताइए यूनाइट अभियान के बारे में सॉरी सर मैंने ठीक है क्या आपको लगता है कि कोरोना ने वर्तमान परिदृश्य को बदल कर रख दिया और आने वाले कुछ समय तक हम इसी प्रकार जीवन जिएंगे जैसा वर्तमान में जी रहे हैं श्रीमान जी मैं कोरोना को एक समस्या ना मानकर एक चुनौती मानती हूँ आपसे सामाजिक परिदृश्य में पूछ रहा हूँ क्या कोरोना ने मानव और मानव के मध्य दूरी बढ़ा दी श्रीमान जी मतलब कुछ हद तक ऐसा हुआ भी है लेकिन विकल्प तलाशे जा रहे हैं सर पहले दूरी नहीं थी सर पहले दूरी थी लेकिन सर दो दूरी दो एक तो फिजिकल दूरी है, होती एक है एक दूरी कमला दूरी जी होती ये बताइए जयपुर से जी सर और कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है क्रम से बताइएगा श्रीमान जी जयपुर की सीमा अपन नोट से स्टार्ट करते हैं तो सर सीकर जिले के साथ अलवर से लगती है दौसा से लगती है सवाई माधोपुर से लगती है फिर सर टोंक से लगती है अजमेर से लगती है नागौर से लगती है और एक हरियाणा राज्य से भी सर लगती है ठीक है हरियाणा से भी लगती है हरियाणा राज्य है कि जिला है सर राज्य है सर हमने सवाल आपसे जिला पूछा सर सात जिलों और एक राज्य से लगती है ठीक है ये बताइए कि कपूरचंद पाटनी जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे लेकिन क्या कारण था कि जयपुर प्रजामंडल सस्टेन नहीं कर पाया सर जयपुर प्रजामंडल का जो कुछ कुछ जो झुकाव था सर वो ब्रिटिश नीतियों की तरफ उनका झुकाव था पूरी जनता का झुकाव था नहीं सर पूरी जनता का नहीं लेकिन वही अगर हम पाँच साल बाद देखते हैं कि पुनर्गठन हो रहा है ठीक है और फिर अचानक से जनता खड़ी भी हो जाती है प्रजामंडल के साथ सर उसमें जो जो यहाँ के शास्त्री जी मिर्जा इस्माइल जी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें जो शर्तें थी वो जनता की आशाओं के कुछ अनुरूप थी आशाओं के अनुरूप थी यानी उन्होंने तो ये कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाएंगे सर वो भारत छोड़ो में शामिल नहीं होना चाह रहे थे और वो ब्रिटिश का सहयोग भी जनता नहीं करना चाहिए बल्कि राजा ब्रिटिश के ठीक, 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 ठीक हुए है कमला जी धन्यवाद जी सर ये बताइए मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए थे और उन्होंने किस संदर्भ में इन वाक्यों का प्रयोग किया था सॉरी सर अंतिम सवाल ये बताइए कि यदि सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट जी सर को छिपा समाज से हटा दिया जाए छिपा समाज के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है तो उनकी आजीविका पर क्या प्रभाव देखते हैं सर है? वो सर जैसे भी अवसर दूसरे तलाश लेंगे सर क्योंकि डायरेक्ट तो परंपरागत रूप से तो वही कार्य करते आ रहे हैं सर वो उसी स्किल को उसी टाइप के दूसरे व्यवसाय में लगा लेंगे अदर प्रिंट्स का वो इनोवेशन कर लेंगे क्योंकि सर मुझे मेरा मानना है की परिस्थिति एक इंसान को सबसे अच्छा सबक देती है सर प्लीज थैंक यू कमला आप एक कृषि परिवार से आती हैं कृषक परिवार से आती है जी सर किसान की कोई औपचारिक परिभाषा है सर काश्तकारी अधिनियम में मैंने पढ़ रखा है कि वह जो खेती कार्य करता है और काश्त में लगा रहता है वो सर किसान होता है और जो खेती करवाता है वो जैसे किसी की जमीन है और वो खेती करवाता है सर उसको सर इसमें दो चीजें होती है एक काश्तगार होता है एक किसान होता है एक भूस्वामी होता है तो वो किसान होगा या नहीं होगा जो जिसकी खेत है चाहे जो मालिक होगा खेत का वो भूस्वामी होगा वो, वो किसान नहीं कहलाएगा सर वो भूस्वामी होगा सर वो किसान कहलाएगा या नहीं कहलाएगा सर अगर वो छोटा मोटा उसमें कास्ट कर रहा है पशुपालन वगैरह कुछ भी कर रहा है कुछ तो नहीं वो... कर रहा है उसका खेत है वो मजदूरों को हायर करता है वो खेती करवाता है फसल कटवाता है फसल की बुआई करवाता है सर अधिनियम के अकॉर्डिंग वो भूस्वामी कहलाएगा सर किसान नहीं कहलाएगा किसान नहीं कहलाएगा जी सर ठीक है तो अभी किसान कुछ आंदोलन कर रहे हैं आपको पता ही होगा जी सर तो ये किसानों के ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर उनको आपत्ति है क्यों आंदोलन कर रहे हैं पॉइंट वाइज बताइए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है सर हरियाणा पंजाब के कर रहे हैं सर बेसिकली वहाँ पे एम एस पी का एटी परसेंट एटी फाइव परसेंट खरीद होती है एम एस पी के ऊपर फसलों की दूसरे तो वो एम एस पी को कंपलसरी करना चाह रहे हैं सर सेकेंड है कि वहाँ पे सिक्स परसेंट मंडी टैक्स तो उससे राज्यों को भी आपत्ति है कि उनकी रा, राजस्व की हानि होगी तीसरा सर वो बिजली के जो बिल है उनकी कटौती को लेकर भी और एक सर पराली के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनमें वो शिथिलता चाहते हैं ये ये सारे बिंदु हैं उनके तो क्यों पंजाब हरियाणा के किसान क्यों कर रहे हैं बिहार यूपी के किसानों को इससे समस्या नहीं है सर पंजाब में सर 85 फाइव एम पे खरीद होती है जबकि जैसे अभी राजस्थान में अदर देखे तो पाँच परसेंट तक एम पे सरकार खरीद करती है दूसरा रीजन सबसे ज्यादा मंडी शुल्क से पंजाब हरियाणा में है बाकी जब राजस्थान में एक परसेंट है बिहार में भी कम है वहाँ छः परसेंट है तो जब राज्यों को नुकसान होगा मंडी टैक्स से तो राज्य किसानों के साथ नहीं आकर देखने में आ रहा है कि राज्य सरकारें सड़कें खोद दे रही हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए सर वो प्रशासन का एक अंग है और किसी के जीवन की सती से ज्यादा इम्पोर्टेंट सर आ, सर तो सर सड़कें सर, वो सरकार को लग रहा है कि हिंसक हो सकता है आंदोलन तो किसी के जीवन को बचाने के लिए वो एक लॉ एंड ऑर्डर का मतलब सरकार ठीक सर, कर रही है तो किसानों का आंदोलन करना भी तो उनका अच्छा, संवैधानिक अधिकार है हिंसक तो नहीं हो रहे हैं सर हिंसक हो सकते हैं क्योंकि जब भी भीड़ इकट्ठी होती है तो कोई भी आदमी उग्र हो सकता है तो एक प्री मेजर्स के तौर पे सरकार ने उनको कंट्रोल करने के लिए एक प्रशासनिक पार्ट है सर ये चलिए आपने बीटेक किया है बीटेक कुछ याद है या सब समाप्त हो गया क्योंकि समय तो बहुत हो चुका है सर कुछ कुछ चीजें है याद है हाँ जी सर तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में गेट का प्रयोग किया जाता है जी सर गेट क्या होते हैं सर गेट एज ए स्विच काम करता है सर एंड और नोर नैंड गेट क्या होता है सर नैंड गेट होता है एंड गेट के आगे नोट लगा देते हैं तो वो सर नैंड गेट बन जाता है उसका इनपुट और आउटपुट का कोई कॉम्बिनेशन मान लीजिए उसका इनपुट अगर जीरो जीरो है तो सर इनपुट ज़ीरो जीरो है तो पहले वो जीरो इन टू जीरो मिल के जीरो होगा फिर उसका आउटपुट नोट हो, हो जाएगा नोट होती है वो वन बन जाएगा सर ए डोट बी का बार लग के नैंड गेट बन जाएगा और अगर इनपुट एक और जीरो हो तो सर एक और जीरो है तो सर उसका आउटपुट वन होगा नैंड गेट में ट में सर ये जीरो होगा एक होगा सर जहाँ तक ठीक है ठीक है, है आप नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं जी सर ये काम करते हुए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है श्रीमान जी मेरे सामने पहली चुनौती आती है कि यहाँ पे सर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सर जैसे नेट की प्रॉब्लम आती है बार बार कट जाना

सॉरी सर सीमांत किसान किसे कहते हैं सर सीमांत किसान वह होता है जिसके पास एक हेक्टेयर तक की जमीन होती है या उससे कम सर जीरो से एक हेक्टेयर के बीच की जो है वो सीमांत किसान होता है तो राजस्थान के किसानों में सीमांत किसानों की मात्रा कितनी है कोई अंदाजा है आपको सर ये सिक्सटी परसेंट से ज्यादा है सर से ज्यादा है से. उनके लिए कोई सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है कार्यक्रम या नीति योजना इनके लिए सर एक तो ऋण दिया जा रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी कितना दिया जाता है इसमें सर छह हजार रूपए दिए जा रहे हैं सभी किसानों को हाँ सर सभी किसानों को चाहे वो बड़े हो या छोटे हों हाँ सर तो फिर सीमांत वालों के लिए अलग से कोई योजना नहीं है उनके लिए सर स्पेशली तो सर उनको किसान क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू बेनिफिट दिया जा रहा है इसके अलावा हाँ, जो पहले सर ईडब्ल्यू के अंदर बाध्यता थी जमीन की उसको अब राजस्थान गवर्नमेंट ने हटा दिया तीन एंकर के नाम बताइए जो प्रसिद्ध हों देश और विदेश में सर तीन एंकर एंकरिंग आपका शौक है जी जी सर तो तीन ऐसे कौन से एंकर हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं या जिनकी ख्याति देश विदेश में सर ओपरा जी एंड सर शिव खेड़ा जी शिव खेड़ा को आप एंकर मानती हैं सर वो एक अच्छे राइटर भी है पत्रकार भी है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है तो वक्त हर वक्ता एंकर होता है वो गुण उसमें छुपा होता है सर तो बाहर तो नहीं आता है ना छुपा होता है ना सर उनकी जो बुक्स वगैरह पढ़ी और मैंने उनको स्पीच पे स्टेज पे सुना तो, तो वक्ता के रूप में मैं मान सकता हूं, एंकर है वो सर वक्ता वक्ता है सर अच्छा तो एंकर की बात मैं कर रहा हूँ सर एक विवेक बिंद्रा जी है जिनसे मैं काफी इंस्पायर हूँ वो भी एंकर नहीं वो भी वक्ता है। सर वो बिजनेस को सीईओ और मोटिवेशनल स्पीकर है सर हाँ तो वही वक्ता ही तो बोल रहा हूँ ना स्पीकर को तो वक्ता ही बोलते हैं मैं एंकर की बात कर रहा हूँ एंकर कोई नहीं है देश में सर देश में एंकर है लेकिन उन सबके अलग अलग सेक्टर्स है जैसे न्यूज एंकर अलग होते हैं सर कॉमेडी एक्टर्स में अपन कपिल शर्मा को ले सकते हैं ठीक है कमला जी आपसे बात करके अच्छा लगा आप जा सकती हैं आपका इंटरव्यू हो गया जी सर थैंक यू सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठिए कैसा लगा आपको इंटरव्यू में सर अच्छा लगा अच्छा लगा जी सर कहाँ लग रहा है कि ठीक जा रहा है और कहाँ लग रहा है कि चीजों को थोड़ा सा और ठीक करना पड़ेगा सर हॉबी को मुझे अभी थोड़ा सा और इस पे फोकस करना है ठीक है और सर दूसरा जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे सोच समझ के धीरे धीरे पैसें जवाब देने चाहिए सबसे अच्छी चीज आपकी यही है कि आपके पास आपका आकलन है है ना जब आपने एंटर किया तो कुर्सी पर बैठने से पहले तक आप पूरी तरह से कम्पोज थी है ना एकदम व्यवस्थित थी कुर्सी पर बैठते ही अभी मैं सवाल पूछ रहा था तभी आपने बोला मास्क हटाना है मुझे हटा सकती इंतजार कीजिए हो सकता है कि हम अलाउड ना करें हो सकता है कि हम अलाउड करें है ना तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए धैर्य के रूप में पहले तो एंट्री वाले से लेकर और बैठने तक में यही थोड़ा सा कि जल्दबाजी नहीं करनी फिर आपको थोड़ी सी अपनी लिसनिंग पर काम करना चाहिए मेरा ये ख्याल है जी सर ना सुनने की क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर और व्यवस्थित तरीके से डेवलप कीजिए जी सर चीज़ों को ठीक से सुनिए हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम क्वेश्चन सुनते सुनते ही समझ जाते हैं फिर भी जब आप एक इंटरव्यू में बैठ रही हैं तो क्वेश्चन को सुनिए उसको प्रोसेस कीजिए एक दो सेकेंड का पॉज लीजिए फिर जवाब देना बेहतर माना जाता है जी सर वो रिस्पॉन्स होता है है ना तो रिस्पॉन्सिव बनी उसके बाद जिला और राज्य में जैसे आप कन्फ्यूज हो गई सर ने जिले का नाम पूछा आपने राज्य का नाम बताना शुरू कर दिया वो क्या है लिसनिंग नहीं होने के चलते ही ऐसा हुआ था जी सर अगर नॉन वर्बल वाले पक्ष की बात करें तो हैंड मोवमेंट आपका ठीक है आई कांटेक्ट ठीक है फेशियल एक्सप्रेशन आपका ठीक है सब ठीक है एकदम कहीं से कोई दिक्कत नहीं फ्लो थोड़ा सा फास्ट है जैसे आप कह रही हैं तो फ्लो फास्ट है और फ्लो को थोड़ा सा स्लो मतलब बोलने की गति को थोड़ा सा कम कर लीजिए वॉल्यूम आपका ठीक है आवाज़ ठीक है तो जल्दबाजी मत दिखाइए और जैसे एक दो बार बात करते समय आपने कहा कि देखिए श्रीमान जी तो ये ना थोड़ा सा इनफॉर्मल लहजा हो जाता है जी आ, आप ये कहिए कि सर ठीक है सर से बात शुरू करिए देखिए देखो दिखा दूंगी तो इस तरह की बातें नहीं आ, कहनी चाहिए है ना जी कि वो जॉब में रहते रहते एक अथॉरिटेटिव लैंग्वेज जा आ जा जाता है टोन आ जाता है तो उसे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए फिर आपके जो कंटेंट वाला पक्ष है ना कंटेंट आपका बहुत अच्छा है जी आपने लगभग आठ नौ साल पहले इंजीनियरिंग किया था मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आपको याद होगा मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा आपने सही जवाब दिया उसका ठीक है उसको थोड़ा सा समय मिले तो देख लीजिएगा नहीं तो अब बैकग्राउंड में जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब आपका बैकग्राउंड जॉब हो चुका है जी तो नायब तहसीलदार से जुड़ी हुई चुनौतियाँ जिम्मेदारियाँ चूंकि आप किसानों किसान परिवार से आती हैं किसानों का जिक्र कर रही हैं तो उनसे जुड़ी हुई हर समस्याओं का आप समाधान लेकर चलेंगे फिर शुरू में आप जब मानवीय मूल्यों की बात करती हैं तो कई बार प्रशासन में सच है कि आप चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाती हर किसी की और संभव नहीं हो पाएगा जी सर। एक प्रशासन अपने जेब से तो मदद नहीं करेगा जी सर। और जब इतनी ही स्कीमें और इतने ही कार्यक्रम हैं तो वो लो लोग गरीब रहते नहीं आपका इंतजार तो करता नहीं कोई जी सर ठीक है ना तो उस पर थोड़ा सा संवेदनशील तरीके से और ये नहीं कि मैं ही ईश्वर हूँ ईश्वर का अवतार हूँ मैं आ जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा इस भाव से नहीं एक अपने आप को इंसान के रूप में पेश करिए और आ, उसको थोड़ा सा आ, मतलब अभी प्रशासन वाले पक्ष को ही ज्यादा मजबूती से दिखाई आप की अल्पावधि में मैं प्रशासक बनूंगी दीर्घावधि में ये तो अवधि कितनी बची साठ साल तक आप प्रशासक रहेंगी तो फिर मानव सेवा के लिए वक्त कहा मिलेगा तो फिर दीर्घकालीन योजना तो प्रशासक की रहेगी ना सर वो साथ साथ सर चलते रहेंगे ना तो ऑथोरिटी के साथ अगर हम ठीक है उसको ज्यादा सुनेंगे संतुलित कर लीजिए उत्तर और संतुलित हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है जी सर और अब तो दो ही पोस्टर है क्या मेरे ख्याल से आपके लिए नायब तहसीलदार के पद पे है ही जी सर तो एटी एटी फाइव से नीचे का कोई मामला बनना नहीं चाहिए और ये पूरा खेल आपके हाथ में है हाथ में इसलिए है क्योंकि आपको नॉलेज है इन्फॉर्मेशन है आपको अनुभव है आपके पास पॉइंट है आपके पास तर्क है सब कुछ है है ना उसको व्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्वक एक विद्यार्थी के रूप में सामने रखिए जब तक कि आपसे अथॉरिटी दिखाने के लिए ना कहा जाए दो तीन मौके पर आपको डिसीजन मेकिंग करना था और आपने ठीक से किया ठीक है तो हमारी तरफ से बस सलाह ये है कि अपनी बोलने की गति को ठीक कर लीजिए और चीजों को व्यवस्थित करके जैसे पॉइंट वाइज आप बता रही हैं वैसे है ठीक है और जितना समय है कब है इंटरव्यू आपका तारीख को थे. तो जितना टाइम है उतना अगर नॉलेज ब्रश अप हो जाए तो ठीक है नॉलेज आपके पास ठीक है ओपिनियन ठीक है एनालिसिस आपका ठीक है जी है ना जी और उसमें क्या बेहतर हो सकता है किसानों वाले पक्ष को थोड़ा सा और और राजस्थान वालों को ब्रश अप कर लीजिए ठीक है थैंक यू सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको थैंक यू सर